बहुत अच्छा लगता है जब भोजपुरी के सुपरस्टार्स का गाना विदेशों में बजता है, अमेरिका में बजता है, जर्मनी में बजता है, इटली में बजता है, साउथ अफ्रीका में बजता है, पाकिस्तान में बजता है, नाइजीरिया में बजता है। आज मैं बात करने वाला हूँ भोजपुरी के बारे में। एपिसोड में मैं किसी एक स्टार को लेकर बात नहीं करने वाला हूँ, पूरा वीडियो में बने रहो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दयाशंकर ओझा, फिर से आपका भाई हाजिर है एक नया वीडियो लेकर। लेकिन उससे पहले आपका भाई यही रिक्वेस्ट करेगा कि चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई हमेशा ही भोजपुरी में जोड़ने की बातें करता है, तोड़ने की बातें नहीं करता है। आज का मैं जो वीडियो बनाऊंगा ये कोई एक स्टार को लेकर नहीं है, ये भोजपुरी को लेकर है। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं खेसारी लाल यादव जी की। आपको बता दूं, खेसारी लाल यादव जी का 2 रुपया गाने पे अमेरिकन्स ने भर भर के रिएक्शन दिया है। आप यूट्यूब खोल कर देख सकते हो, जियो रिएक्ट नाम का चैनल है जो कि भर भर के रिएक्शन दे रहा है, उनका व्यूज़ भी काफ़ी जा रहा है। आप समझ सकते हो कि वो लैंग्वेज को समझते नहीं है लेकिन पॉपुलैरिटी खेसारी लाल जी का समझते हैं, और कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी के लिए वो लोग रिएक्शन दे रहे हैं और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं, अच्छा खासा व्यूज़ भी मिल रहा है और अच्छा रिएक्शन भी दे रहे हैं, जिससे काफ़ी अच्छा लगता है। इससे पहले लॉलीपॉप गाने पे आप देखे होंगे, अमल सिंह नाम का एक सिंगर है नाइजीरिया में, उन्होंने लॉलीपॉप को फिर से गाया था, पाकिस्तान में भी गाने बजे, उसके बाद जर्मनी में बजे, वर्ल्ड कप में गाने बजे, काफ़ी जगहों पे लॉलीपॉप बजा, जिससे कि भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी शान की बात है। तो खेसारी लाल जी, पवन सिंह जी, दोनों एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो अपने अपने जगह पर अपने अपने तरीकों से भोजपुरी को बढ़ाने में लग गए हैं। आप सभी को एक चीज़, मैं कोशिश यही करता था कि हमेशा ही दोनों को लेकर चलूँ, दोनों को लेकर वीडियो बनाऊँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गाली गलौज हमेशा करते रहते हैं, इसीलिए हम यही कोशिश करते हैं कि जितना गाली गलौज कम हो और थोड़ा बहुत हम अपडेट नहीं बनाते हैं पवन सिंह जी का। तो देखो यार, ये भोजपुरी के लिए कितनी बड़ी बात है कि जो भोजपुरी को लोग पूछते नहीं थे, आज भोजपुरी पूरे देश में, पूरे विदेश में बज रहा है। और चाहे किसी का भी कंट्रीब्यूशन हो, चाहे पवन सिंह जी का हो, चाहे खेसारी लाल यादव जी का हो, भोजपुरी आगे जा रही है, जिससे कि भोजपुरियों का सम्मान बढ़ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे कि भोजपुरियों को ये एहसास दिलाया जाए कि देखो यार, अब भोजपुरी ऐसी नहीं रही पहले की तरह, तो हमें भी अब डेवलप करना पड़ेगा अपने आप को, और हमें भी कोशिश यही करनी पड़ेगी, अपना परंपरा, हमें अपने संस्कृति, हमें अपने पोशाक को बचाना है, हमें अपने संस्कृति को बचाना है, इसके लिए हमें जगना पड़ेगा और जग कर भोजपुरी के लिए बातें करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं भोजपुरी को तोड़ना, लेकिन हम चाहते हैं कि भोजपुरी जुड़ी रहे। दोस्तों, मैंने जो वीडियो बनाया, क्या मैंने गलत किया? तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कमेंट में ये बताना, क्या कभी कभी जो मैं वीडियो बनाता हूँ भोजपुरी को जोड़ने की बातें करता हूँ, मैं तो हमेशा ही करता था, लेकिन कुछ लोग ऐसे घिनौने लोग हैं जो हमेशा चाहते हैं कि भोजपुरी टूटे और गाली गलौज पोस्ट करते हैं, इसीलिए जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है। फिर मैं कभी कभी बना देता हूँ, क्योंकि इससे मैं ये दर्शाना चाहता हूँ आप लोगों को कि आपको अपना वैल्यू समझना पड़ेगा। आप बहुत फेमस हो चुके हैं, हम लोग अभी बहुत फेमस हो चुके हैं, और हमें अपने संस्कृति को बचाना है, हमें एकजुट होकर रहना है, लेकिन कुछ कुत्ते जो हैं वो भौंकते रहेंगे, उनको भौंकने दीजिए, और जब भौंकते हैं तो उनको रोटी दे दिया कीजिए, बस वो चले जाएंगे और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।